रो भाई, लड़ाई हो गई, काफी लड़ाई हो गई, काफी ज्यादा लड़ाई हो गई। 1144 लड़ाई करवा मैं। हाँ भाइयों से मिलो और पीछे वाली। अरे भाई, अब ये दादी बन चुकी हैं एक्चुअली। अब इनको खुशी इतनी है ना कि अब ये भाई, इनको चाहे को बुढ़िया कहे, चाहे आंटी कहे, चाहे गर्ल कहे, चाहे टीनेजर कहे, इनको सब एक्सेप्टेड है। तो भाई उनको तो हमने विदा कर दिया, वो तो अपने घर चल दी है। लेकिन आज अभय यादव इतना सज धज के कहाँ चला। अच्छा। और आकाश पवार, आकाश अपनी शक्ल दिखाओ, अलग ही स्टाइल में चलने लग गया। ब्याह के बाद इसमें बहुत सारे चेंज आ गए, तूने देखा नहीं? जैसे कि क्या क्या चेंज है भाई, आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। पर अभी अंधेरा हो चुका है, सुबह से ही थोड़ा बोर हो रहे थे आज, इसलिए मैं फोन जब मन करता है, दिल करता है, तभी उठाता हूँ, ऐसे जबरदस्ती नहीं उठाता। हाँ भाई, बहुत भाई ने पूछ रहे हैं कि रवि कहाँ पे गया, होली पे हमने देखा नहीं उसको, होली की वीडियोस में। तो भाई जब मैं आया था ना स्पीति से, तो वो तभी चला गया था, कोई जा रहा था यहाँ से इंडरी से, तो वो उसके साथ ही बैठ के चला गया। अरे रुक जा एक्चुअली, और इसलिए भाई हमने तो बहुत उसको 1 घंटा से वेट कर रहे हैं, गाड़ी लेके खड़े हैं। तो अब आकाश ने बोल ही दिया जिस पे वेट कर रहे हैं, सही कह रहा है, गाड़ी तो सफेद एलईडी उनकी गाड़ी की। गाड़ी निकाल के खड़े हैं, जाओ तो खड़े। हाँ यार, एक्चुअली हम जा रहे हैं शादी सी में भाई, एक इनविटेशन आ रखा था, उसमें अटेंड करना हमको जरूरी है। हम तो आने ही लगे भाई। अजीत भाई कितने सूदे शरीफ है, तो चलते हैं भाई। अरे अकेले चल रहे हैं, दीपक भैया ना है हैं। अब पहली लाइट जला दी, उनको पता है एक ब्लॉगर आ रहा है, बहुत बड़ा ब्लॉगर आ रहा है। मैं अजीत भैया से मिलवाने वाला था। अजीत भैया सुनाओ कैसे हो? बहुत इंतजार करवाया है ना, तो भाई 6 बजे तक फोन कर रहा हूँ, 7:19। अरे आपके हाथ में कलर ना छूटा अभी, तो किसने कही ऐसा रंग से होली खेलने की। और दीपक भाई आज तो स्मार्ट लग रहे हो, नई शर्ट पहन के आज भाई एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो आज हम उसमें शादी है ना भाई, शादी है, एक शादी सी है, उनको करवा के आ जाते हैं, थोड़ा कन्यादान लिटिल लिटिल कराएंगे भाई। कन्यादान भी देना और क्या। तो एक्चुअली भाई हम ना, सुनो मैं पहली बार बताता हूँ, हम पहली बार मतलब ऐसे मुस्लिम की शादी में जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रखे हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे गाँव है, लेकिन मतलब बड़े बड़े मतलब बड़े लेवल के। अरे यार रोटी का तो ले लो, वेजिटेरियन भी तो रहे उनके ब्याह में। भाई हम तो मतलब ज्यादा एक्साइटेड इसी के लिए, हम तो नॉन वेज थोड़ा लिटिल लिटिल मार लेते हैं। ऋतिक है ना? अरे करियो आके फोन, करियो करियो। तो भाई ऋतिक रहता है भाई, वो थोड़ा बड़ा आदमी है, वो अड्डे पे रहता है। ये सारी दुकान में रहता है वो। हां सारी दुकान में रहता है, हम आउट ऑफ मार्केट है ना, हम तो वहां भीतर पर है यार। हां सारी दुकान ऋतिक के वहां से यहां तक 1500 रुपए किराया हुआ ना, 2000 में हमारे दादा ने क्यों नहीं खरीदी यार यहाँ पे जगह, मेन रोड। ये भी हमारे दादा है, हमारे घर में इनका किराया हम थोड़ी खा रहे हैं, लेकिन यार जब जैसा परिवार बढ़ेगा तो जमीन तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है, जमीन बढ़ेगी घटेगी, घटेगी बट जाएगी। केबल रखा करो, फोन वोन चार्ज करने के लिए, मेरा फोन चार्जिंग नहीं है। ये लो भाई, ये लो, ये आपको ये है ना। अरे ये मतलब चार्ज ज्यादा फास्ट नहीं करती ना, 100 रुपए की आते है भाई मात्र। आप मेरे से बोल दो, मैं यार पक्का ये फोन है तेरे भाभी को, यू है मेरे यू है, फिर तो काम तो आपको सही है भाई, सोच लो एकदम से, ठीक है। अब चल के देखते हैं भाई कैसी होती है मुस्लिम की शादी, मतलब ऐसे बड़े वाली, तो चल के वहीं पे आपको पता चलेगा, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ठीक है, कोई ना, चल रहे हैं, चलो आओ का तू भी मैचिंग मैचिंग हो गया। और भाई तुमने एक थान में शर्ट कटवाई थी यार, एक साथ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। अरे तुम दोनों ने नहीं, इसके थोड़े छोटे डिब्बा है। अरे वो छोटा है तो छोटे डब्बे थी, बड़े बड़े एक जैसे हैं सबके, ऐसे फन चलता रहता भाई, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं। कैसे दिन आ चुके हैं, कैसे दिन आ गए भाई, देख रहे हो भाई, पैदल चलना पड़ रहा हो, बता यार आप शादी में जाके ज्यादा खा भी पाओगे। अरे अभी तो खाएगा पचाने के लिए। अच्छा तो रंग ना छूटोगे। अरे अरे मेरे तो भाई वाह भाई, बात कर दी भाई, वो रहा वाटी का दिख गया ना आपको, लाइट चमक रही है ना, वो वाटी का उसे कहते हैं। निकलो भाई, बनी वालों आपको बहुत अच्छी गाड़ी है आपको।
ये भी एक अच्छी चॉइस है, लग रही है प्यारी सी। ओ भाई अच्छी गाड़ी मिल गई, दो है क्या? दो वो दो दो शादी है फॉर्च्यूनर एंड नहीं भाई, इनका ऐसे ही चलता है। हाँ वही तो शादी में फॉर्च्यूनर दी है। अच्छा अच्छा वो वाली, अच्छा अच्छा वो तो टेम्प्रेरी। अच्छा ये है, ये दो देते हैं ना, जैसे पापा को स्कॉर्पियो दी होगी। नहीं भाई काफी अच्छा ये वाली दी है। अच्छा ये वाली भाई, अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब हमारी यहाँ पे खातिरदारी स्टार्ट होगी। इस तरीके से सिस्टम रहता है, यहीं के यहीं सर्व होता है, सेल्फ सर्विस नहीं होती। अपने खाओ पियो ऐश करो एंजॉय मारो। ये देखो भाई टेबल पूरी भर चुकी है मेन्यू से। भाई साहब मजा ही आ गया। अभी तो बच रहा है ना, जर्दा वर्दा और बहुत कुछ रहता है। वैसे भाई हमारे पास वेज में भी काफी अच्छा सॉल्यूशन है भैया, और ये भाई वेज को ज्यादा पसंद करते हैं। काफी फन हो रहा है, देख सकते हो आप पीछे कितनी सारी भीड़ है। वहाँ तो हम ऐसे ही बैठ गए थे बस लिटिल लिटिल। अब आइसक्रीम है सब कुछ है, वैसे वेजिटेरियंस के लिए भी बिल्कुल चिल्ड चिल्ड, और फ्लेवर भी अलग अलग है। कुछ तो छुड़वा दे कभी। चलो भाई अब हम लोग चलते हैं। रुको आ जाना यार, चलो आओ तो आओ, लो आओ 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 आ जा। अरे पैची होगा दिखाओ भाई, क्या छपरी लोग हैं ये। तो लगा चल आओ आओ भाई। यहाँ पे देखो कितना प्यारा रिजोर्ट है ये, स्विमिंग पूल। अगर हम दिन में आते थे हम पेप्सी दे दियो, मैं सब रहो। ले लिया जी, ले लिया। अब आ गए हम भी, ले 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 देख मस्त आ जा। अरे ये तो आर्टिफिशियल है, आ जाओ आ गया, ये तो आर्टिफिशियल है। तो भाई लेट्स गो एंड दिस इज द फॉर्च्यूनर। ये आने वाले टाइम में हमारे लिए भी। आप हटो साइड से, आप हटोगे इधर भाई। कितना लकी होगा वो गाय, मतलब जिसको ऐसे गिफ्ट में यार फॉर्च्यूनर मिल रही होगी। अजीत भैया हम तो नहीं रह गए यार, टेंशन मत, हम अपने आप ले आएंगे ठीक है। अब वही है, पर एक रहता है ना, किसी को एक किसी को फ्री में मिली है यार, मतलब 50 ड्रीम रहता है सबका यार कि फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर। और ये जाम अब भी लगा हुआ है, देख जब गए जब भी जाम हो, देख लो अब भी जाम है। और क्या करें हम, क्या होगा इस देश का। एक्चुअली खैर इनविटेशन भी बहुत सारा ज्यादा है, पर इनका भी कसूर नहीं है, कुछ ज्यादा। प्यारे भाइयों भाई बहुत बहुत जाम लग गया है, अब क्या करें यार। हम लोगों को ऐसे बाहर से रास्ता लेना पड़ेगा यार, कहीं और से देखना पड़ेगा, वरना आज तो हम घर पहुंचने से रहे। अच्छा है भाई ब्याह में रख दो ना, ब्याह तो हमने भी करे, पर जाम तो हमारे ब्याह में तो नहीं लगता भाई। और सीट आग कर ले, ले भाई सीट आग कर लेंगे और कर। ओ ये पेप्सी गिर गई, तो पेप्सी गिर गई जब तुम ऐसे आदमी बिना देखे तो कहीं पेप्सी परोसा में। तो यार ये अपने कोक लेके आते हैं, बैग में ले लो। ओ हमारे जैसे परोसा में मिठाई डिब्बा जाम है, तो इधर पेप्सी जाम है। रो भाई लड़ाई हो गई, काफी लड़ाई हो गई, काफी ज्यादा लड़ाई हो गई। 11:44 लड़ाई करवा में। अरे भाई हमने जितने जितने हमें तो निकाल ही हूं, अब ये जाम हमने ही लगा दिया। देख हम ही जाम का वो बन गए रीजन। नंबर हो तो ऐसा हो 777 ठीक है जी, स्कॉर्पियो पे। और उस थार का नंबर दिखाऊं मैं आपको, एक हल्ला मुरेगी ना जब देखना, HR 87H 8888 ठीक है। एक पे 7777 एक बार 8888 और जाट के ठाट। भाई वाह भाई वाह। तो भाई हमारी शादी बहुत प्यारी रही, जिस शादी में हम लोग गए थे बहुत अच्छा लगा भाई। अरे भैया कतई आज इनकी एक्चुअली इनको शादी है ना इनकी, तो ये थोड़ा जैसे जिनकी शादी रहे, जैसे हमारी शादी थी तो हम लोग थे बहुत ज्यादा हवाबाजी में थे, मतलब इतनी हवाबाजी में थे, कोई यहाँ से निकल रहा था, कोई सनरूफ से, कोई इतनी हवाबाजी आप सोच नहीं सकते।
ठीक है देखो एक दिन आता है सबका, जिनका दिन है किसी दिन हमारा भी आएगा, हमारा था आएगा ठीक है। और आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ट्रेंड है, पता है नए नंबरों का, वीआईपी नंबरों का, जैसे इस पे देखो सेल्टोस पे 0505 तो बिहार पर वो भैया ज्यादा धूमत मचा दे, कभी कोई करने कर ले कोई रोती मांगे बिहार के ऐसे बंदे नहीं है, बहुत शरीफ ये बंदा शरीफ है और अनगिन है, पता हो इनको पेट्रोल पंप है बेच खा जाएंगे उनमें आग लगा देंगे। चलो भाई काफी फन हो रहा है, ये जाट के लड़के तो ऐसे ही फन करते रहते हैं। यादव तो एम ही रहते हैं, गुमसुम देख लो गुमसुम पड़ा है। अरे वो स्टोरी ने देख रहा है किस किस ने उसको मेंशन किया, ये सोशल मीडिया खाएगा यूथ को एक दिन। भाभी आएगी तेल चढ़ेगा, गाने बज रहे हैं वाली बात नहीं है। तो ये था भाई छोटा सा लिटिल लिटिल वीडियो, अच्छा एक्सपीरियंस था भाई, फर्स्ट टाइम जाके मजा आ गया, वेज नॉन वेज सब कुछ था, इसको वेज खाना वेज खाओ, इसको नॉन वेज खाना नॉन वेज खाओ। हम ज्यादा टेबल पे नहीं बैठे, फिर हमने गोलगप्पे आइसक्रीम यही सब चीज़ खाई, फ्रूट चाट आ जाओ। चलो भाइयों देखो हमारा डेमी कितना भौंकता है, ये भौंकता नहीं है पिटबुल बस खाता है यार, मोटे को खा गया, मोटू को वो डुलडुल का भैया कुणाल बच्चा है ना वो छोटा भाई उसको खा गया, बच्चे ऐसी उसकी टांग भर ली और छोड़े दिन छोड़ा हुआ, और फिर इंजेक्शन लगे यार उसको 2-3 क्योंकि इसको नहीं लग रखे ना, अभी लगवाएंगे, अब हो गया 2.5-3 महीने का शायद, दो मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती ना कब का है कब का नहीं है, तब इसको इंजेक्शन लगवा के लाऊंगा एक आध दिन में, वरना रिस्क है भाई, अब सब बच्चों को से तो इसको क्या परहेज है पता नहीं, बताओ कैसे फ्रेंडली बनाएं इसको बच्चों से। चलो भाइयों वीडियो देने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।